नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। Assalamualaikum. Welcome to Nayi Subha Self Grooming Tutorials for Foundation Coats. मैं हूँ सना नज़ीर और आज का हमारा लेसन है सिमटें यानी के डायरेक्शंस DIRECTIONS डायरेक्शंस। हमारा माहौल चार एतराफ पर मुश्तमिल होता है यानी के हमारे इर्द गिर्द चार एतराफ होते हैं। नंबर एक मशरिक जिसे हम अंग्रेजी में ईस्ट कहते हैं EASTईस्ट। नंबर दो मगरिब जिसे हम अंग्रेजी में वेस्ट कहते हैं WEST वेस्ट। नंबर तीन शुमाल जिसे हम अंग्रेजी में नॉर्थ कहते हैं NORTH नॉर्थ। और नंबर चार जुनूब जिसे हम अंग्रेजी में साउथ कहते हैं SOUTH साउथ। आज हम सीखेंगे कि हम इनका तायुन कैसे कर सकते हैं, तो आइए सीखते हैं। अगर हम इस रुख पे खड़े हैं कि हमारे बाएं जानिब मशरक है कि जहां से सूरज निकलता है और दाईं तरफ मगरिब है कि जहां सूरज डूबता है, तो इस सूरत में हमारे सामने की तरफ जुनूब यानी के साउथ होगा और हमारे पीछे की तरफ शुमाल यानी के नॉर्थ होगा। तो स्टूडेंट्स आइए रुख तब्दील करते हैं। अब हम उस रुख पर खड़े हैं जहां हमारे बिल्कुल सामने मशरिक है और हमारे बिल्कुल पीछे मगरिब है, तो इस सूरत में हमारे दाएं जानिब जुनूब होगा और हमारे बाएं जानिब शुमाल होगा। जी अगर हम इसके बिल्कुल बरखिलाफ खड़े हो जाएं, यानी इस तरह कि हमारे आगे मगरिब और पीछे मशरिक हो, तो उस सूरत में हमारे दाएं जानिब शुमाल यानी के नॉर्थ आ जाएगा और बाएं जानिब जुनूब यानी के साउथ आ जाएगा। और अगर इसके बरखिलाफ हम इस तरह खड़े हों कि हमारे सामने की तरफ शुमाल यानी के नॉर्थ हो, तो यकीनी तौर पर हमारे पीछे की तरफ क्या होगा, जुनूब यानी के साउथ। और उस सूरत में फिर हमारे बाएं जानिब मगरिब और हमारे दाएं जानिब मशरिक आ जाएगा। उम्मीद है आपको इस लेसन से सीखने को मिला होगा। अब आप अपनी जिंदगियों में अपनी सिमतों का तायुन कर सकेंगे। मिलेंगे अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के ज़राए इस्तेमाल कीजिए।